शहर का कोई ऐसा कोना नहीं रहेगा जो अन्नपुर क्षेत्र के नाम से हमारा जाना जाएगा। काफी जिस जिस पार्षद ने जो जो गलियों की अपनी डिमांड दी थी वो सारे नगर परिषद एजेंडे पास कर दिए। अरे रोड एरिया के अंदर ही है वो क्या है उसे हैदरपुर के अंदर ही है, कीर्ति नगर का है, हाँसी गेट का है, यूडीवेस में अपना बजरंगबली कॉलोनी का है, ऐसे ऐसे कई विद्यानगर के ऐसे पैचेस हैं जो एयरपोर्ट कॉलोनी के अंदर है, लेकिन उनपे स्टेटस ट्रांसफर जाता है लेकिन कॉलोनी नहीं वो किस लिए रह गए, वो किस लिए रह गए, वो इसलिए रह गए पीछे हमने जब ये अपना पीआईडी के ऊपर दीवाने का जो मैं कराया था ना अथवाइज का अथवाइज का उसमें किसी की कमी रहेगी तो पैसे छोड़ दिए उसने तेरा मुद्दा तो उदयपुर और मुक्का चलना यहाँ पर बैठ जाते वो कोनी और है रुक जाए एक मिनट इस बात को मेरा साथ छोड़ दो अल्लाह पूरा छोड़ भाई मैं ऐसा है जो अपूर्ण अन्नपूर्ण का जो मामला है उसका अंदर संदीप किसी का समझ में नहीं आया तो किसी का अपना काम हो ठोक लियो आईटी सेल के अंदर वहाँ जाना पड़ेगा जितने भी टीआई पोर्टल के ऊपर चेक कर रहे हैं इतनी ऑथोराइज कर रही है नहीं होती है नोटिफिकेशन आई नहीं है अभी। मैं देता हूँ आपको 2010 से लेकर 2021-22 तक का पिछला 100% टैक्स माफ तीसरे टैक्स के आज नगर परिषद साधारण बैठक का यहाँ आयोजन किया गया जिसके अंदर अनेकों विकास कार्य को लेकर चर्चा हुई जिसमें आज मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से सीएम अनाउंसमेंट का एक कार्य पंजाबी धर्मशाला को लेकर आया था उसको जमीन चिन्हित करके हमने आवंटित करने का प्रस्ताव पास करना था। उसके साथ साथ में अनेकों प्रस्ताव यहाँ परिषदों के माध्यम से आए जैसे कि अपने जित्तूवाला फाटक के पर दिनोद रोड का था हमारा और कम्युनिटी सेंटर का रख रखाव का मेंटेनेंस का सफाई को लेकर के थे। जैसे हमने एक प्रस्ताव जल्दी हमने एक शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए जो हमारी योजना चली हुई है उस विषय पर भी आज मैंने प्रकाश डाला पार्षदों को इस बारे में जो सर्वे हमारी लाइटों को लेकर चली हुई थी उस सर्वे का कार्य हमारा लगभग पूरा हो चुका है। पटल पे हमने ये बातें भी रखी हैं टेबल की थी जिसके अंदर हमारे शहर की जितनी स्ट्रीट लाइट हैं सभी स्ट्रीट लाइटों को ऑटोमेटिक पैनल बोर्ड पर लेके आना और ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर जोड़ने के साथ साथ जितनी हमारी वायरिंग है जो ख़राब वायरिंग है सभी वायरिंग को नया करवाना कोई भी लूज़ कनेक्शन उसके अंदर ना होना। जैसे हम देखते हैं कि केवल लूज़ कनेक्शन यहाँ शहर के अंदर जोड़े हुए हैं स्ट्रीट लाइटों के अंदर तो बारिश आ जाती है तो और मॉइस्चर आ जाता है तो उससे तुरंत ही लाइटें ख़राब हो जाती हैं। तो अभी हमने करीबन 20,000 के करीब लाइटें नहीं लगाने का हमारा सर्वे के अंदर हमें डाटा मिला है जिसमें हमने 17,000 के लगभग हमें लाइट खरीदने का ऑर्डर दे चुके हैं और आगे जैसे ही वो लाइट लगेंगी और हम जो जरूरत होती रहेंगी हम लाइटों का नया ऑर्डर भी कर देंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने जो व्यवस्थाएं हैं लाइट के साथ साथ ऑटोमेटिक पैनल बोर्ड हैं हाई मास्ट लाइट हैं जहाँ जहाँ जो जो जरूरत है पूरे शहर के 31 वार्डों का हमने सर्वे करवाया जिसके अंदर पार्षद सभी पार्षद साथियों को साथ लिया है और नगर परिषद के हमने अलग अलग वार्ड के अंदर कर्मचारियों को ड्यूटी निर्धारित की थी वो जाकर मौके पर चेक करेंगे कि भी यहाँ कोई चौक है कोई चौराहा है कोई मार्केट है कोई ऐसा खुला स्थान है कोई सार्वजनिक स्थान है जहाँ बड़ी हाई मास्ट फ्लड लाइटों की आवश्यकता होती है वहाँ उन लाइटों की व्यवस्था हमने करनी है ऐसी और जहाँ
चौड़े रोड हैं, रोड की विड्थ के अनुसार चौड़ाई के अनुसार भी मान लो 80 वाट की लाइट चाहिए, 45 वाट की लाइट चाहिए, ऐसे हमने सारे सर्वे कराए हैं। लगभग हमारी ऐसे 20,000 से ज़्यादा की लाइटों का हमारा अभी सर्वे होके आया है, और साथ साथ में सौंदर्यकरण के लिए भी इसी लाइट के टेंडर में हम शहर के अंदर चौक चौराहों पे, मार्केट के अंदर हमने विक्टोरिया लैंप देखे हैं, आजकल नई नई लाइटें आई, पोल जैसे पोल लाइट आते हैं, एक तो पोल लाइट आती है साधारण लगती है, एक सुंदर जो लाइटें होती हैं लैंप के रूप में हमने कई बार देखा है कि चंडीगढ़ जैसे शहरों में विक्टोरिया लैंप पुराने समय से लगी आई हुई हैं, जो एंटिक भी लगती है और सुंदर भी लगती है। तो ऐसी चीज़ों का हम यहाँ शहर के अंदर स्थापना के साथ सौंदर्यकरण को भी बढ़ावा देंगे, और अनेक मुद्दे गलियों के लेकर थे, और जल्दी हम शहर की सफाई को, सफाई का हमारा जो टेंडर लगा हुआ था टेंडर खत्म हो गया था, लेकिन अभी स्वीपिंग का हमने काम शुरू करना है। स्वीपिंग का काफ़ी एरिया हमारा ऐसा है जहाँ भी नहीं मतलब सफाई नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारे कर्मचारियों की कमी है। तो सफाई का अभी जो सरकार के द्वारा जो नई RFP के जो हमारे नए नियम निर्धारित किए गए हैं उसके अनुसार हमारे सफाई का टेंडर अभी हमारा तैयार हो रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ हेड ऑफिस से भी कुछ आपत्तियां उसके अंदर लग के आई थी, और उन आपत्तियों को दूर करते हुए अभी हमारे शहर की रोड लेंथ जो अभी डाटा जो था वो पहले का डाटा उठा के ले रहे थे, जैसे 100-400 किलोमीटर का करीब का हमारा शहर की पूरी रोड लेंथ का डाटा नगर परिषद के पास 2018 का था, लेकिन अपने देखा कि जब मैंने कि भी जब 2018 के अंदर बहुत सी कॉलोनियाँ ऐसी थी जो अप्रूव्ड नहीं थी, लिमिट के बाहर थी, लेकिन उसके बाद लिमिट के अंदर बहुत सी कॉलोनी आई भी हैं, और अपूर्ण ना होना अनअपूर्ण होना वो अलग बात है, लिमिट से बाहर होना अलग बात होती है। अगर कॉलोनी आपके लिमिट के अंदर है, म्यूनसिपल लिमिट में है, तो अपूर्ण है या नहीं है, लेकिन सफाई की तो जिम्मेवारी लेनी है हमें, सफाई तो वहाँ पे होगी। तो ऐसी व्यवस्था को लेकर के हमने हमारी म्यूनसिपल जो किलोमीटर लेंथ है एरिया के अंदर उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, सर्वे के अंदर डाटा आया है तो उसमें कुछ एस्टिमेट के अंदर बदलाव हुए हैं, तो उसके अंदर हमारा यही तय हुआ कि 10 दिन के अंदर अंदर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 10 दिन के अंदर आप ये रोड लेंथ को नाप करके इसको वेरीफाई करके आप देंगे, ताकि अग्रिम कार्रवाई एस्टिमेट बना करके हम दोबारा से इसको पास करके टेंडर लगा सकें। तो मेरा मानना है कि बहुत जल्द हम सफाई का टेंडर लगा करके सफाई की स्थिति पहले से बहुत हमने सुधार किया है, और हम चाहते हैं कि हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुँचे हैं जो हमने निर्धारित किया है, शहर की प्रत्येक गली के अंदर नियमित रूप से रोजाना सफाई हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेंगी, और इस चीज़ को हम पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं। लाइट की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, सौंदर्यकरण को लेकर के ये हमारा निरंतर कार्य चलता रहेगा, प्रयासरत रहेंगे। और जैसे सुंदरता को लेकर आज कई चीज़ों पर चर्चा हुई है, हमारे माल रोड का, नेहरू पार्क का, सर्कुलर रोड की सुंदरता का, एंट्री रोड जितने हमारे हैं उनकी सुंदरता के लिए हासी रोड है, रोहतक रोड है, महम रोड है, लाहौर रोड है, बापोड़ा वाला रोड है, ऐसे जो मुख्य एंट्री रोड हमारे, इन रोडों को लेकर भी हमारा जो सौंदर्यकरण किया जाना है वो भी उनके चर्चा हुई है, हमारे जल्द ही हम उनके भी कार्य शुरू करने का हम काम करेंगे। देखिए एस्टीमेट जब तक तैयार नहीं होते हम बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर तो बता नहीं सकते, लेकिन ऐसा है कि अभी जो हमारा लाइट का टेंडर का जो बात है वो करीबन 20 करोड़ के लगभग तो ये लाइट वगैरह हमारा काम रहा, क्योंकि इसके अंदर पूरे लगभग 80% हमने पूरे शहर की वायर नहीं डालनी पड़ेगी, सीसी पैनल है, लाइट की खरीदारी है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, क्लंप है, पाइप है, इक्विपमेंट छोटी छोटी जो लाइट का लगाने के लिए काम आएंगे, हाई मास्ट लाइटें ली हैं हमने, सौंदर्यकरण के लिए विक्टोरिया लैंप हमने लिए हैं, जो हमारे पेड़ हैं जो सर्कुलर रोड पे है, जहाँ कहीं भी शहर के अंदर पेड़ लगे हैं सड़कों के ऊपर, उन सड़कों के पेड़ों के नीचे जो रंगीन लाइटें लगा करके एक बहुत सुंदर पेड़ दिखते हैं रात को, ऐसी लाइटों का हमने इसके अंदर प्रावधान लिया है। तो ऐसे करके 20 करोड़ के लगभग तो हमारी लाइटों का काम हो जाएगा, और सौंदर्यकरण को कर ली तो 15-20 करोड़ के लगभग सौंदर्यकरण का भी हमारा एस्टिमेट लगभग आएगा इसके अंदर। अपूर्ण कॉलोनी का हमारा 35 UC जो नक्शे थे वो लगभग उसके अंदर पूरे शहर के मैं मानता हूँ 99% हमारा शहर के अंदर जाता है, 100% ही लगा लो, शहर का कोई ऐसा कोना नहीं रहेगा जो अन्नपूर्ण क्षेत्र के नाम से हमारा जाना जाएगा। सारी कॉलोनियाँ जहाँ बस्ती बन गई हैं, जहाँ रिहायश हो चुकी है, जहाँ मकान बन चुके हैं, वहाँ पर अपूर्ण कॉलोनियाँ बहुत जल्द हमारी हो जाएंगी, जिसके हम वहाँ विकास कार्य भी आराम से करा सकेंगे, सीवर पानी, गलियों की स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, तो बाकी व्यवस्था में बहुत सी स्ट्रीट लाइट की तो हम कर भी रहे हैं,
और जो अछूता है विकास से वो विकास करे बहुत जल्द अपूर्ण। आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जनवरी के या फरवरी के माह में अनाउंस करेंगे कि उस सूची में हमारे भिवानी की सारी कॉलोनियाँ आ जाए। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि पंजाबी कम्युनिटी समुदाय के लिए जो धर्मशाला के लिए जो ज़मीन देनी थी एक तो वो एजेंडा था इसके अंदर। दूसरा प्रधान जी की आज्ञा से कई जो शहर के डेवलपमेंट हैं, शहर के चारों तरफ जो सफाई व्यवस्था के लिए अपन झाड़ू का जो स्वीपिंग का जो टेंडर लगना है उसका प्रस्ताव पास किया है, और जो शहर को सुंदर बनाने के लिए शहर के जितने भी आउटर रिंग रोड हैं उनके सबके फुटपाथ गलियां और अपना जो चौमन जो अपना दिनोद रोड है इसका निर्माण के लिए इस तरीके से काफ़ी कुछ एजेंडे हैं जो आज इसमें चर्चा हुए थे जिसको पास किया है। हाँ, काफ़ी जिस जिस पार्षद ने जो जो गलियों की अपनी डिमांड दी थी वो सारे नगर परिषद एजेंडे पास कर दिए और आने वाले समय में उनको टेंडर लगा के बहुत जल्द और उनका बना दिया जाएगा। उनको जो कॉलोनी भिवानी की जितनी भी कॉलोनियाँ थी वो सारी की सारी कॉलोनियाँ अप्रूव के लिए चंडीगढ़ भेज दी गई है और ये 31 जनवरी तक लिस्ट आनी है, सारी की सारी कॉलोनियाँ अप्रूव होकर आ जाएंगी। लेट भेजी गई हैं काफ़ी बार? नहीं, लेट नहीं भेजी गई, उसमें से कुछ ऑब्जेक्शंस थे जो भेजी, कुछ ऑब्जेक्शन लग गए फिर वो क्लियर करके भेजे, तो इस तरह से एक दो बार फाइल लंबा लेंथी प्रोसीजर था तो उसके चक्कर में करना पड़ जाता है। अब सारे क्लियर हैं और भेज दी गई हैं, अप्रूव होकर आ जाएंगी।